आप देख सकते हैं कि गोरखपुर अब प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में पर्यटन की दृष्टि से अपनी अलग पहचान बना रहा है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल, नौका बिहार, कुसमी जंगल एवं राप्ती नदी के किनारे स्थित राजघाट एवं रामघाट पर लोकल कलाकारों के अलावा मुंबई से भी कलाकार आकर हिंदी एवं भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को राजघाट नदी स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर सावन को देखते हुए बाबा भोलेनाथ के ऊपर आधारित भोजपुरी एल्बम की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। आइए मिलते हैं इन कलाकारों से और इनके भोजपुरी एल्बम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले लाइफ ऑफ सिटी न्यूज को जो लोग भी देख रहे हैं सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे राजघाट पे, जो कि बहुत ही सुंदर बन गया है। ये हमारे गोरखपुर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है और आज हम लोग आए हुए हैं सावन का जो सॉन्ग होता है उसको शूट करने के लिए। देवरा चिलमिया के आशिक बा। जैसा कि आप सभी को बता दें, इस समय हम यहाँ राजघाट पे पूरी पीएफसी म्यूजिक जो गोरखपुर में बहुत अच्छे लेवल पे खुली है, उसके एल्बम हम लोग शूट कर रहे हैं बाबा धाम का, जो पीएफसी म्यूजिक वर्ल्ड पे आएगा ये गाना। और गाने का नाम है देवरा चिलमिया के आशिक बा, जिसमें वो गाना हम ही गाए हैं और गाना हम ही लिखे हैं। जो इसका म्यूजिक दिए हैं शुभम शर्मा जी दिए हैं, तो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और इससे पहले 3-4 गाने उस चैनल पे पड़ गए हैं और बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है शूट करने के शूट करके यहाँ पर। और गोरखपुर एक शूटिंग का हब बन गया, आप देख रहे होंगे कि मतलब बाहर से भी, मुंबई से लोग भी आकर यहाँ शूटिंग कर रहे हैं और ये सारे लगभग गोरखपुर के ही कलाकार हैं और बहुत आनंद आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह है और ये माही पांडे हैं, ये खुशबू पाल जी हैं जो नेपाल से आई हैं और ये कई गाने इनका भी बहुत हिट गया है मार्केट में। और बताइए खुशबू जी, आप भी जी। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं नेपाल से हूँ, मतलब यहाँ पर मैं पहले भी शूट कर चुकी हूँ गाना और इनका शूट एक की हूँ, अभी ये दूसरा है जो मैं सहेली का रोल करी और बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छा है और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग अभी फाइनली शूट कर चुके हैं, अब शूटिंग ख़त्म ही हो गई है। और बताना, एक बात और बताना चाहते हैं, जो इसके गाने के प्रोड्यूसर हैं सूरज यादव सर हैं, जो सूरज यादव यादव ना उनका सूरज यादव, और इसको जो मतलब कैमरा चला रहा है हमारे जावेद सर हैं, आप देख सकते हैं। जावेद सर एक बार आइए, ये जावेद जी हैं, यही शूट कर रहे हैं जो वहाँ हमेशा कई गाने शूट कर चुके हैं और फिर ये गाने आज शूट कर रहे हैं, इनका ही योगदान है, बहुत मजा आ रहा है। ये भी मेंबर है भाई, ये भी मेंबर है, ये सबसे खास मेंबर है, सबसे खास मेंबर है हमारे नवाब सर। एक बार बोले हरे हरे महादेव।